नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। सूर्यवंशी एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की क्लास जो है वो ज्योग्राफी विषय से संबंधित है। आज हम पढ़ने वाले हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को अगर हम समझना चाहते हैं तो इसे दो प्रकार से समझ सकते हैं या इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पहला है प्राकृतिक साधन और दूसरा है अप्राकृतिक साधन। प्राकृतिक साधनों के तहत तो हमें पता है, जिस प्रकार से ज्वालामुखी हो गया या भूकंप हो गया, उनसे हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी मिल जाती है। दूसरी ओर जो हमारे अप्राकृतिक साधन है उनमें हम ताप, दाब और घनत्व, इन तीन इकाइयों का उपयोग करते हैं और पृथ्वी की आंतरिक संरचना जानने का प्रयास करते हैं। किसी भी प्रतियोगिता परीक्षाओं में अगर इस प्रकार का टॉपिक रखा गया है, जैसे कि आज का है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, तो इसका एक ही उद्देश्य है, हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में जानकारी नहीं चाहते, हम इसके ऊपरी बनावट की जानकारी चाहते हैं। यदि हमें ऊपरी बनावट की जानकारी चाहिए तो इसके बॉटम की जानकारी भी हमारे पास होनी चाहिए। एक विद्यार्थी से अपेक्षा की जाती है कि वो अपने धरातल की जानकारी के साथ साथ इसके उत्पत्ति और उद्गम की जानकारी भी रखे। यूपीएससी की बात की जाए तो यहाँ से सेंटेंस फॉर्मेशन में प्रश्न बन सकते हैं, जहाँ पर बात की जा सकती है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए, पहला, दूसरा, तीसरा, निम्न में से कौन से कथन सत्य है या असत्य। जैसे कि अगर आपसे प्रश्न बनता है कि ऊपरी मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में रेपिटी असंबद्धता पाई जाती है, दूसरा, लोअर मेंटल और आउटर कोर के बीच में गुटेनबर्ग असंबद्धता पाई जाती है, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे इसमें बन जाएगा कि आउटर कोर और इनर कोर के बीच में लेहमैन असंबद्धता पाई जाती है, निम्न में से कौन से कथन सत्य है, तो आपको यहाँ पे लगाना है उपरोक्त सभी सत्य है। इस प्रकार के प्रश्न यूपीएससी में बन सकते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने के लिए हमारे पास तीन प्रमुख सिद्धांत हैं। पहला है रासायनिक आधार पर पृथ्वी का विभाजन, दूसरा है भूकंपीय आधार पर पृथ्वी का विभाजन और तीसरा है हमारा अभिनव मन। सबसे पहले बात कर ली जाए कि रासायनिक संघटन के आधार पर पृथ्वी जो है वो तीन परतों में बटी हुई है। वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी तीन प्रकार की परतों में बटी हुई है। सबसे पहली जो परत है उसका नाम इन्होंने लिखा है सियाल, ठीक है, सियाल, SIAL। SI का मतलब होता है सिलिका और AL का मतलब होता है एल्यूमिनियम। इस परत में ग्रेनाइट की बड़ी बड़ी चट्टानें पाई जाती हैं और यहाँ पर सिलिका और एल्यूमिनियम बहुत भारी मात्रा में पाया जाता है, इसलिए इस पहली परत का नाम इन्होंने सियाल रखा। दूसरी परत इन्होंने बताई है सीमा, सीमा जो अपेक्षाकृत घनत्व में थोड़ी सी अधिक है, इसका इन्होंने नाम दिया है सीमा। सिलिका और मैग्नीशियम, सिलिका और मैग्नीशियम की अधिकता के कारण रासायनिक संघटक के रूप में दूसरी परत को इन्होंने सीमा नाम दिया। तीसरा निफे, निफे परत के अंदर निकिल और फेरियम, ये दोनों भारी तत्व हैं और ये भारी तत्व होने के कारण पृथ्वी के एकदम कोर भाग में है और ये तीसरी और अंतिम परत है। तो रासायनिक संघटनों के आधार पर अगर आपसे पूछा जाता है कि पृथ्वी की परतों को रासायनिक संघटनों के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, तो उसका स्पष्ट अंतर है तीन भागों में। वो तीन भाग कौन कौन से हैं, तो सियाल, सीमा और निफे, ठीक है। अगर प्रश्न बनता है कि सियाल जो है उसका संघटक क्या है, तो इसमें सिलिका और एल्यूमिनियम, सीमा के अंदर सिलिका और मैग्नीशियम और निफे के अंदर निकल और फेरियम, यहाँ पर ये बात खत्म हो जाती है। अगर दूसरा संघटक की बात करें तो हम यहाँ पर बात कर सकते हैं भूकंपीय आधार पर। भूकंपीय आधार पर पृथ्वी की परतों को तीन भागों में फिर से बांटकर अध्ययन किया गया है। यहाँ पर बात की गई है पृथ्वी के घनत्व के बारे में। यहाँ पर वैज्ञानिक भूकंपीय आधार पर पृथ्वी की तीन परतें घनत्व के आधार पर अलग अलग बांटते हैं। सबसे पहली परत का नाम इन्होंने दिया है लिथोस्फेयर। क्या नाम दिया है? लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर का घनत्व की अगर बात की जाए तो इसका घनत्व 3.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है और इसकी गहराई 10 से लेकर 100 किलोमीटर तक बताई जाती है, इसको लिथोस्फेयर कहते हैं। इसके बाद सेकेंड वाली बात की जाए तो सेकेंड पे आता है पाइरोस्फीयर। पाइरोस्फीयर की बात की जाए तो इसका घनत्व लगभग लगभग 5.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है और इसकी जो गहराई है वो 100 सेंटीमीटर से लगभग 2880 किलोमीटर के बीच में बताई गई। तीसरा मंडल यहाँ से निकल के आता है बेरोस्फीयर। तो बेरोस्फीयर के अंदर इसका जो घनत्व है वो 8 से 10 या 8 से 11 है लगभग और इसकी जो गहराई है 2880 से लेकर जो पृथ्वी का अंतरिक्ष बिंदु है लगभग
6371 किलोमीटर ये इसका क्षेत्र। यहाँ से ज्यादा प्रश्न नहीं आते हैं। यहाँ से एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि पृथ्वी के मेंटल और कोर के लिए कौन से शब्द प्रयोग किए जाते हैं, तो मेंटल के लिए यहाँ पे पायरोस्फीयर और कोर के लिए बेरोस्फीयर शब्द का प्रयोग किया जाता है भूकंप वैज्ञानिकों के अनुसार। इसके अलावा अब अपन बात कर लेते हैं पृथ्वी के अभिनव मत के बारे में, पृथ्वी के आंतरिक संरचना का अभिनव। अभिनव मत में देखा जाए तो यहाँ पर पृथ्वी की बनावट को समझने के लिए एक डायग्राम बनाया गया है। जैसा कि आपको पता है कि आपकी पृथ्वी गोल है, इस गोल पृथ्वी को अगर एक पाक के रूप में काट लिया जाए तो इसके केंद्र से हमें अलग अलग प्रकार की परतें गहराई के माध्यम से पता चल सकती है। तो इस डायग्राम को समझने का प्रयास करते हैं, बहुत रफ्तार से इसको समझते हैं। आप सभी को पता है कि पृथ्वी के अंदर तीन प्रमुख अभिनव मत के अनुसार परतें हैं, पहला है क्रस्ट, दूसरा है मेंटल और तीसरा है कोर, ठीक है। परंतु हमारी एग्जाम में इस प्रकार के आसान प्रश्न यहाँ से नहीं आते हैं। वो थोड़ा सा डीपेस्ट प्रश्न अगर यहाँ से पूछ लेते हैं तो वो असंबद्धता से संबंधित यहाँ से प्रश्न पूछते हैं। पहली बात ये पूछते हैं कि कौन सी परत कितनी गहराई पर है, ये भी अगर आंकड़ों वाले प्रश्न आ जाए तो वो यहाँ से पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपको बता दूँ कि पृथ्वी का बाहरी धरातल जो आपको दिखाई देता है उसको क्रस्ट कहते हैं, आपका धरातल है उसको क्रस्ट कहते हैं। क्रस्ट का घनत्व लगभग 2.8 या 2.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है, 2.8 हम उसको मान लेते हैं। यहाँ पर जो पी वेव्स की तरंग होती है उसकी रफ्तार थोड़ी कम होगी, घनत्व कम है तो पी की रफ्तार कम होगी। पी की रफ्तार यहाँ पे लगभग 6.1 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। इसके बाद जैसे हम पृथ्वी के अंदर थोड़ी सी गहराई में उतरते हैं, अभी हम क्रस्ट की बात करें, क्रस्ट को हल्का सा हमने खोदा तो यहाँ पे घनत्व इसका बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। इसका घनत्व लगभग 2.8 से बढ़कर 3.0 हो जाता है। जैसे 3.0 घनत्व होता है तो यहाँ पे पी वेव्स की जो रफ्तार है वो जाहिर सी बात है बढ़ेगी। पी वेव्स की रफ्तार में अचानक थोड़ी सी वृद्धि आती है और 0.9 लगभग 6.9 से लेकर 7.1 तक इसकी रफ्तार हो जाती है। ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट के बीच में जो रफ्तार का डिफरेंस आया है, इस रफ्तार के डिफरेंस को बताने वाले वैज्ञानिक का नाम कॉनराड था। कॉनराड नामक इस वैज्ञानिक ने जब इस अंतर को बताया तो इस अंतर को या इस असंबद्धता, इंग्लिश में डिसकंटिन्यूटी कहते हैं, इस डिसकंटिन्यूटी को कॉनराड असंबद्धता के नाम से जाना गया। तो यहाँ पर प्रश्न बन जाएगा कि अपर क्रस्ट और निचले क्रस्ट के बीच में पाई जाने वाली असंबद्धता को क्या कहते हैं, कॉनराड असंबद्धता। अब बात हो जाती है कि आपका क्रस्ट जब खत्म होता है तो क्रस्ट के नीचे एक क्षेत्र पाया जाता है जिसको तरल मैग्मा का क्षेत्र कहते हैं, एथनोस्फीयर इसका नाम रखा गया है। एथनोस्फीयर की गहराई अलग अलग स्थानों पर अलग अलग है, जिस प्रकार से आपके क्रस्ट की मोटाई भी अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होती है। क्रस्ट की मोटाई महाद्वीपों में लगभग 5 किलोमीटर के बराबर, महाद्वीपीय क्षेत्रों में लगभग 30 किलोमीटर के बराबर इसकी गहराई होती है। और बात की जाए कि महाद्वीपीय क्षेत्रों में जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पर इनकी गहराई क्या होगी, प्रश्न बना है एक बार कि जो आपका क्रस्ट है पर्वतीय श्रेणियों के क्षेत्र में इसकी मोटाई कितनी है, तो इसकी मोटाई वहाँ पर 70 से लेकर 100 किलोमीटर के बीच में होती है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कॉनराड असंबद्धता के बाद की एथनोस्फीयर। एथनोस्फीयर पृथ्वी की गहराई में लगभग 400 किलोमीटर तक की गहराई तक पाया जा सकता है। 400 किलोमीटर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पृथ्वी इस प्रकार से सीधी लकीर जैसी नहीं है, वो कहीं ना कहीं आड़ी टेढ़ी है, तो हो सकता है कि ये आड़ा टेढ़ापन 400 किलोमीटर तक भी जाता हो, तो 400 किलोमीटर की गहराई तक भी हम इसको मान सकते हैं। एटमोस्फेयर वही क्षेत्र है जहाँ से हमें लावा उद्गार प्राप्त होता है, जब भी हमारे पास ज्वालामुखी इस प्रकार की चीज़ें होती हैं, जब भी हमारे पास महाद्वीपीय महासागरीय प्लेटें आपस में टकराती हैं और यहाँ पे अपभ्रंश किनारा बनता है, तो यहाँ से हमारे पास ये लावे के रूप में कन्वर्ट होती हैं और यहाँ पे ज्वालामुखी प्राप्त हो जाता है। ये अलग ज्वालामुखी वाले सेगमेंट में इसको पढ़ेंगे। अब बात करते हैं जब हम पृथ्वी के अंदर 700 किलोमीटर की गहराई में उतरते हैं, 700 किलोमीटर की गहराई में उतरते उतरते हमारे पास एक नया क्षेत्र आ जाता है जिसको आप सभी जानते हैं कि मेंटल के नाम से जानते हैं, यहीं से ही मेंटल की शुरुआत होती है। तो इस मेंटल की शुरुआत और आपके क्रस्ट के खत्म होने के बीच में एक और अंतर पाया जाता है। जब आपके क्रस्ट की मोटाई खत्म होती है तो वहाँ पर उसका घनत्व लगभग 3.3 है और जब आपका मेंटल शुरू होता है तो उसका घनत्व 4.3 है। इस असंबद्धता को यहाँ पर मोहो असंबद्धता कहा गया है, मोहो असंबद्धता, ठीक है, याद रखिएगा मोहो असंबद्धता। इसके बाद जब हम अपर मेंटल को पढ़ लेते हैं, अपर मेंटल के अंदर जो पी वेव्स हैं, पी वेव्स की रफ्तार 7.8
लगभग है, ठीक है। इसे निम्न गति का मंडल कहते हैं क्योंकि इसके ऊपर वाले मंडल में 7.9 तक की गति देखी गई थी। निम्न मंडल का थोड़ा सा है क्योंकि यहाँ पर जो धातुएं हैं थोड़ी सी हल्की हैं, गर्म थोड़ा सा कम हो जाता है। इसके बाद लोअर मेंटल में जैसे ही हम प्रवेश करते हैं, लगभग लोअर मेंटल का धरातल जो है, मेंटल का आखिरी छोर वो 2900 किलोमीटर की गहराई तक माना गया है। अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में जो घनत्व का अंतर आता है, लगभग वो आता है 5.5 से लेकर 4.3 से 5.5 के बीच में जो अंतर आता है उसको कहते हैं रेपिटी असंबद्धता। यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि रेपिटी असंबद्धता क्या है, तो यहाँ पर रेपिटी असंबद्धता अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच की असंबद्धता होती है। अगली बात की जाए कि अगर हम मेंटल के लोअर वाले पार्ट के अंदर पी वेव्स को भेजें भूकंपीय तरंगों को, तो उसकी गति क्या होगी। इसकी गति लगभग होती है 13.6 किलोमीटर प्रति सेकंड, ये काफ़ी तीव्र गति से यहाँ पर गमन करती है। इसके बाद इसकी गति में थोड़ी सी रुकावट आती है, जैसे कि हम आउटर कोर, जैसे मेंटल खत्म होता है तो हमारे पास आउटर कोर 2900 किलोमीटर के बाद से शुरू होता है, तो यहाँ से घनत्व में अंतर अचानक दिखाई पड़ता है और अचानक इसका घनत्व 5.5 से बढ़कर 10 हो जाता है। तो 10.0 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब जैसे ही इसका घनत्व हुआ, तो यहाँ पर भारी तत्वों की उपलब्धता हमारे सामने आती है और इस घनत्व के अंतर को गुटेनबर्ग साहब ने अपने विषम सिद्धांत में दिया था। तो गुटेनबर्ग ने असंबद्धता के सिद्धांत में इसको दिया, तो इसे क्या कह देते हैं, गुटेनबर्ग असंबद्धता। इसके बाद बात करें, जब आपका आउटर कोर खत्म होता है तो इनर कोर शुरू हो जाएगा। इनर कोर की गहराई को वैज्ञानिकों ने 5150 ये आंकड़ा याद रख सकते हैं आप। यहाँ से घनत्व का अंतर 12.3 है, लेहमैन असंबद्धता यहाँ पर पाई जाती है, ठीक है। यहाँ पर पी वेव्स की रफ्तार फिर थोड़ी कम होती है क्योंकि यहाँ पर माना जाता है कि इनर कोर जो है आपका थोड़ा सा जेली फॉर्म में है, तरल पदार्थ के रूप में है। अन्य प्रश्नों की बात करें तो जिस प्रकार से आपके क्रस्ट मेंटल और कोर से प्रश्न बन सकते हैं, वहीं बहुत सारे छोटे प्रश्न बनते हैं। हमारा ध्यान बेसिकली एग्जाम क्रैक करने पर है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न को कवर करेंगे। यहाँ से सबसे पहला प्रश्न बन सकता है कि पृथ्वी की जो क्रस्ट है उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। तो आपको बता दिया जाए कि पृथ्वी की जो क्रस्ट है उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। लगभग ऑक्सीजन 46.8% के क्षेत्र में ऑक्सीजन हमारे क्रस्ट में पाया जाता है। इसके बाद यहाँ पर लिस्ट दी गई है कि सबसे ज़्यादा क्रस्ट के बाद में आपका सिलिका पाया जाता है। इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको याद रखना है ऑक्सीजन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन। दूसरा प्रश्न यहाँ से बनता है कि आपका सबसे बाहरी क्षेत्र कौन सा है, सबसे आयतन में ज़्यादा वाला जो क्षेत्र पृथ्वी की बनावट में है वो कौन सा है। तो वो आपका मेंटल है, मेंटल लगभग उसका आयतन है 83% और जो उसका द्रव्यमान है वो यहाँ पे लगभग 68% लगभग होता है। कोर के बारे में अगर बात करें तो कोर का आयतन लगभग 16% है, वहीं इसका द्रव्यमान इसके आयतन से बहुत ज़्यादा लगभग 2 गुना है, 32% ये द्रव्यमान रखता है क्योंकि ये भारी तत्वों से मिलकर बना हुआ है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में समस्त जानकारी इस छोटे से वीडियो के माध्यम से नहीं दी जा सकती, परंतु यदि आपका कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।